नमस्कार दोस्तों, सुरताल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हारमोनियम लेसन्स की सीरीज में ये मेरा आज का 44वां लेसन 44th लेसन आज पब्लिश होने जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर मेरे 43 लेसन्स और उसके अलावा भी कुछ सॉन्ग्स की प्रैक्टिस पब्लिश हो चुकी हैं। अगर आप सभी इस वीडियो में नए हैं तो आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे आप हम अपडेट रहेंगे। एक क्लास की तरह इसे लें और हर दिन या हर एक दिन छोड़कर हमारी दो वीडियोस पब्लिश होती हैं, तो डेली एक क्लास की तरह हमारे इस चैनल पर आएँ। और कुछ जो पिछले वीडियोस को जिन लोगों ने देखा, उनका जो उसमें नए लोग थे, उन्होंने मुझसे कमेंट बॉक्स पे ये चीज़ें पूछी कि आपकी जो और वीडियोस है वो कहाँ हैं, आपकी जो और लेसन्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, मैं उसके लिए आपके लिए सुझाव दूंगा कि जो सबसे पहला काम करना है, आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको सारे लेसन्स दिखते हैं, आगे पीछे कहीं ना कहीं आपके उस लिस्ट में दिख जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो नहीं दिखेंगे। तो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें और एक हमसे जुड़ जाएं उस सब्सक्राइब के थ्रू। उसके बाद आपको क्या करना है कि मेरे चैनल पर क्लिक करना है, सुरताल जहां पर लिखा होता है, उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे वीडियोस पर। तो वहां जाकर आप वीडियोस पर देखें, हमारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आज से मैं जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको भी मैं अलग अलग कैटेगरी में कर दे रहा हूं। एक कैटेगरी है उसमें सारे लेसन्स हैं, उसके अलावा मैंने अलंकारों की जो कैटेगरी उसको अलग कर दिया है। अलंकारों के अलावा थाट के अलावा सॉन्ग्स की प्रैक्टिस है, स्केल की, कॉर्ड की, सबकी मैंने अलग अलग कैटेगरी कर दी है। तो आपको जिसका लेसन चाहिए होता है, आप प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर जाकर के सारे लेसन्स को पाएं। आज का जो लेसन है दोस्तों, मैंने आपको स्केल के बारे में बताया था और हमने एक स्केल सी शार्प पर तो हम सारे काम कर ही रहे हैं, सारे अलंकार हम बजा रहे हैं। मैंने आपको जी शार्प जो स्केल थी, चौथी काली, फोर्थ ब्लैक पर आपको पिछला लेसन आपको बताया था। आज मैं उसका अगला जो स्केल है, अगली उसकी की है ए स्केल, या आप इसे सिक्स ब्लैक छठी सफेद जो की है, उस स्केल पर आज आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। और आज एक और नई चीज मैं आप सबको बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे सुने। और दोस्तों, एक चीज कहना चाहूंगा, आप पूरी वीडियोस को देखा करें, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपकी छूट जाती है अगर आप हमारी पूरी वीडियोस को नहीं देखते। तो आज जो मैं एक जो प्रयोग करने जा रहा हूं, मुझे लगता है आपको उससे बहुत फायदा होगा। मैंने स्केल को रिलेट किया है सी शार्प के स्केल से और उनको थाटों से मैंने रिलेट करने की कोशिश की है, उनको उनसे जोड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से स्केल को पकड़ने में, उन्हें देखने में समझा पाएगी। जैसे मैंने आपको जो पिछला स्केल बताया था जी साल, जरा आप उसको बजाकर देखें, उस पे जो स्केल है मेजर स्केल या बोले तो बिलावल थाट में बजाइए। अब आप देखिए कि इस स्केल में अगर हम केवल सी शार्प से अगर काउंट करें तो सी शार्प के बाद कौन कौन से नोट लग रहे हैं, कौन कौन से स्वर लगे, यहां देखिए म तीव्र लग रहा है। अगर मैं इस स्केल से इसे काउंट करूं सी शार्प स्केल से, वास्तव में स्केल यही है, लेकिन अगर मैं इसे यहां से काउंट करता हूं म तीव्र लग गया। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि जो हमारा जी शार्प स्केल है फोर्थ ब्लैक है, अगर मैं उसे रिलेट करूं तो वास्तव में वो सी शार्प के स्केल का थाट कल्याण है, थाट कल्याण का ही वो रूप है। आप थाट कल्याण को बजाइए, यहां तक आ गए तो ये फोर्थ ब्लैक का बिलावल का स्केल बन गया, या इसे वेस्टर्न में कहें तो ये मेजर स्केल बन गया। ध्यान से देखें तो अब आपको स्केल को याद करने की जरूरत नहीं कि कहां पर कौन सी की है। गैप भी एक सिस्टम है, गैप से कर सकते हैं कि ग और म के बीच में कोई गैप नहीं, पर नी और सा के बीच में कोई गैप नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मैंने ये जो तरकीब है ये बहुत ही आसान है स्केल को पकड़ने के लिए। तो आज का जो स्केल है, आज मैं ए स्केल बताने जा रहा हूं, ये भी काफी अच्छा स्केल है, खासकर जो हमारे लेडीज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट स्केल है। कई लोगों का ये स्केल होता है। वास्तव में अभी
जो मेल स्टूडेंट है उनको भी यहां से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हारमोनियम में हाथों को फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन लेडीज के लिए ओरिजिनल स्केल का काम करते हैं हमारे जी शार्प, ए शार्प और बी, बी ए और जी शार्प, ये जो चार हैं ये लेडीज के लिए, जो हमारे लेडीज स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत ही अच्छे स्किल है। तो आज देखते हैं हम इस ए स्किल को, देखते हैं जरा मैं इसकी एक बिलावल थाट की सरगम है या कहें तो मेजर स्किल बजा के दिखाता हूं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। स्किल बनाने का वही तरीका है, सा रे गा मा, गा से मा के बीच में कोई गैप नहीं, मा पा धा नी सा, नी और सा के बीच में कोई गैप नहीं। उंगलियों का क्रम देख लें, या अंगूठे से ही चालू करें ज्यादा सही रहेगा। इससे अंगूठा सानी, यहां पे तीसरी उंगली लाएंगे अगर तो ये ज्यादा आसान रहेगा। सानी दा पा मा दा रे सा। वही चीज जो मैं आपको आज रिलेट करा रहा हूं, जो मैंने एक नया तरकीब आपको नई तरकीब बताई है, अगर उसको हम यहां से देखें, यही स्किल यहां से किस प्रकार से बज रहा है, देखें ये इन कीज का प्रयोग हुआ है ए स्किल में, यानी कि रे गा कोमल, धा कोमल, और अगर आगे बढ़ जाए तो नी भी कोमल हो जाएगा। याद आ रहा होगा ये सी शार्प स्केल की भैरवी थाट है, तो अगर ए स्केल को हम सी शार्प की स्केल को भैरवी थाट से रिलेट कर दें तो इसे याद करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, ये कुछ नहीं बस भैरवी थाट है सी शार्प की स्केल से। अगर हम इसे यहां से शुरू करें, यहां से देखें तो ये धा कोमल, नी कोमल, रे कोमल, गा कोमल, फिर से यहां धा कोमल और नी कोमल, तो ये याद करने में बहुत आसान है। मुझे विश्वास है कि आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, मैं अगली वीडियोस में जो अगले मैं स्केल बताऊंगा उनमें और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। फिर से देखिए, इस स्केल पर सारे अलंकारों को बजाएं अच्छे से, सभी थाटों में बजाने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे देखेंगे कि उंगलियां चलेंगी, उनमें फास्ट बजाने का प्रयास करें। मैंने एक आपको फास्ट हारमोनियम की क्या टेक्निक है वो बताई है, अगले लेसन्स में मैं दूसरी टेक्निक बताने वाला हूँ। जो फास्ट हारमोनियम की जो टेक्निक मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपके हाथ फंस रहे हैं वो वही वास्तव में मदद करेंगे आपकी हाथों को बहुत तेज कैसे आप तेज चला सके। तो इन पे अलंकारों को बजाएं, सारे सारे ग रे ग रे ग म ग म ग म प म प म प द प द प द नी द नी द नी सा नी सा नी द नी द नी द प द प द प म प म प म ग म ग म ग रे ग रे ग रे सा। अब ये देखते हैं कॉर्ड कैसे लगती है, सा कॉर्ड देखिए, सा गा पा रे कॉर्ड रे मा रे मा धा गा से देखिए, पा कॉर्ड है ये, धा कॉर्ड ये, नी कॉर्ड, यहां कभी ऐसे लगा लें जो आपको सुविधा हो, क्योंकि जो नी कॉर्ड है नी रे पा लगाते हैं हम, तो ऐसे भी से देख सकते, या तो इसका प्रयोग कर लें, और फिर से सा कॉर्ड सागा पा। इस प्रकार से सभी कॉर्ड को इसमें लगाने का प्रयास करें, जो जो कॉर्ड हैं सभी कॉर्ड को लगाएं, हर एक स्केल पर लगाएं। आपका जो होमवर्क है आप इसमें प्रयास करिएगा कि इसी स्केल पर आप कल्याण थाट की और खमास थाट दोनों की जो कॉर्ड है उन्हें लगाएं और देखें, और धीरे धीरे
इन पे अगर आप अलंकारों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कई सारे सॉन्ग्स धीरे धीरे, वो जो आपने सॉन्ग सुने होंगे तो आप इनमें घूमेंगे, इन स्वरों को महसूस करेंगे, तो धीरे धीरे आपको सॉन्ग्स पता लगने चालू हो जाएंगे कि इस थाट में कौन सा सॉन्ग बज रहा है। जैसे अगर मैं इन थाटों पे घूम रहा हूँ, इस स्केल पर घूम रहा हूँ, तो देखता हूँ मुझे कोई सॉन्ग याद आता है नहीं। देखिए मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, मैं वो थोड़ा सा बजाना चाहूंगा। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुझे तेरी मोहब्बत का किनारा मिल गया होता अगर तूफान